बड़ी खबर ये, तेहरान से चीन जाने वाली फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली है। फ्लाइट संख्या W581 है जो कि तेहरान से चीन के ग्वांगजू जा रही थी। सुबह 9:30 बजे विमान के पायलट्स ने दिल्ली ATC को इसके बारे में संपर्क किया था, जानकारी दी थी। इस वक्त की बड़ी खबर, तेहरान से चीन जाने वाली फ्लाइट में बम होने की खबर है। महान एयर की फ्लाइट थी जिसमें बम की सूचना मिली, W581। इस फ्लाइट का नंबर तेहरान से चीन जा रहा था। यह विमान चीन के ग्वांगजू शहर 9:30 बजे पायलटों ने दिल्ली ATC से संपर्क किया था और इमरजेंसी में दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत मांगी गई थी। करीब 1.5 घंटे ये विमान दिल्ली के एयर स्पेस में होल्ड पर रहा। जयपुर एयरपोर्ट ATC को भी सतर्कता के तहत जानकारी उन्हें दी गई थी। हालांकि जयपुर में विमान को लैंड कराने की कोई योजना नहीं थी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और अनुज इस समय ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हैं हमारे साथ। अनुज, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, बम होने की खबर थी, तेहरान से चाइना फ्लाइट जा रही थी W581, जिसके बाद ATC ने दिल्ली एयरपोर्ट पर ये जानकारी आई और दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी गई, जिसके बाद तमाम जो एजेंसियां हैं उनको सतर्क किया गया, लेकिन कुछ तकनीकी वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद जयपुर एयरपोर्ट को इस बाबत जो है सूचना दी गई। हालांकि जयपुर में भी कुछ तकनीकी वजह से इसको इजाजत नहीं दी गई। अब बताया ये जा रहा है कि चाइना में 2 घंटे के बाद ये फ्लाइट जो है वो लैंड करेगी, लेकिन इस बीच करीब 1.25 घंटे तक फ्लाइट जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास जो है वो घूमती रही, क्योंकि